हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेंसमैन व्लॉग्स। आज की एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं मिररलेस कैमरा और DSLR, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं और कौन सा कैमरा अच्छा है। इफ यू आर गोइंग टू स्विच टू अनदर सिस्टम और यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कैमरा, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। DSLR स्टैंड फॉर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लक्स। हम लोग डिजिटल कैमरा जो है ये DSLR जो है ये बहुत अरसे से यूज करते आ रहे हैं, लगभग 30-40 साल हो चुके होंगे इसको मार्केट में आए हुए और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी जबरदस्त तस्वीरें इससे खींची हैं। सो ये एक बड़ा मेच्योर सिस्टम है और फ्लॉलेस सिस्टम है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो रही है और लोग मिररलेस की तरफ जो है वो ज्यादा मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन DSLR और मिररलेस के अंदर बेसिक जो फर्क है वो क्या है। DSLR के अंदर जो होता है वो लाइट लेंस के थ्रू एंटर होती है कैमरा के अंदर, लेंस और व्यू फाइंडर जो है कैमरा का वो एक प्लेन के ऊपर नहीं होते हैं, लेंस इधर है और हमारा जो व्यू फाइंडर है वो इस प्लेन में है। तो ये हम इमेज को व्यू फाइंडर के थ्रू कैसे देख पाते हैं, इसके लिए DSLR के अंदर पूरा एक मिरर्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इस जगह पे जहां पे ये कैनन का लोगो बना होता है, नाम लिखा होता है, इस जगह पे पूरा एक बॉक्स होता है मिरर बॉक्स जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मिरर्स का, जो कि इस लाइट को जो लेंस के थ्रू कैमरा के अंदर आ रही है बाउंस करके रिफ्लेक्ट करके व्यू फाइंडर तक लाता है तो हम इमेज देख पाते हैं। इसको कहते हैं ऑप्टिकल इमेज। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग शीशे के सामने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो इमेज है वो मिरर्स के थ्रू हम तक पहुंचता है तो हम लोग व्यू फाइंडर से जो है वो उसको देख पाते हैं। तो ये हो गया DSLR। मिररलेस के अंदर क्या होता है, ये सारा जो सिस्टम होता है लेंसेज इसका मिरर्स का ये रिमूव कर दिया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं मिररलेस, इसके अंदर मिरर नहीं होते। सो हम जो है वो इमेज को कैसे देख पाते हैं, हम इमेज को देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के थ्रू। जो हमारा व्यू फाइंडर है ये एक छोटी सी टीवी की स्क्रीन है, LCD है, LED है, ठीक है। तो हम टीवी स्क्रीन के जरिए, छोटी सी टीवी स्क्रीन के जरिए, LED स्क्रीन के जरिए हम अपने इमेज को देख पाते हैं। तो इसके अंदर मिरर्स जो है वो नहीं होते हैं, इसीलिए इसका नाम मिररलेस कैमरा है। और अगर आप देखेंगे फिजिकली तो मिररलेस कैमरा का साइज जो होता है वो DSLR से बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसके अंदर जो मिरर्स का बॉक्स है वो नहीं होता है, सो वो स्पेस बच जाती है, तो मिररलेस कैमरा जो होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है। मिररलेस टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली मार्केट में आना स्टार्ट हुई है, तो होता कुछ है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में नई नई आती है तो वो इतनी मैच्योर टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इसी तरह से मिररलेस के अंदर भी जो ये व्यू फाइंडर था, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, छोटी टीवी स्क्रीन जो थी, इसके रेजोल्यूशन वगैरह कुछ इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो मतलब ये वो चीज नहीं होती जैसे ऑप्टिकली हम किसी चीज को देख सकते हैं, ये उस तरह से हम देख नहीं सकते थे। हम व्यू फाइंडर के अंदर वो चीज देखते थे जैसे टीवी के अंदर कोई चीज देख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी उसकी वो नहीं होती थी जो हम एक्चुअली तस्वीर को या एक्चुअली अपने फ्रेम को देख रहे होते हैं। सो इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंप्रूव्ड होती जा रही है और ये टीवी स्क्रीन जो है ये बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन आ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, तो अभी ये प्रॉब्लम जो है इमेज क्वालिटी का जो हम देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो अगर हम बात करें डिफरेंसेस की कि DSLR के अंदर और मिररलेस के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा ऑटो फोकस के ऊपर, कि जो फोकस सिस्टम है DSLR का और मिररलेस का उनके अंदर बुनियादी फर्क क्या है। जो DSLR हुआ करते थे स्पेशली हाई एंड DSLR जैसे कैनन 1D मार्क 3-4 जो भी था, 1DX जो थे कैनन के, या कैनन की जो सीरीज थी 5 सीरीज थी, उनके अंदर DSLRs, हाई एंड DSLRs के अंदर एक सेपरेट सेंसर होता था ऑटो फोकस के लिए और एक सेपरेट प्रोसेसर होता था ऑटो फोकस के लिए, ठीक है। लेकिन मिररलेस के अंदर क्या होता है, मिररलेस के अंदर जो ऑटो फोकस है वो डायरेक्टली सेंसर से कैलकुलेट करता है कि फोकस इसका क्या होना चाहिए। ऑटो फोकस सिस्टम जो है वो डायरेक्टली सेंसर से सिग्नल लेता है, उसको करता है,
जबकि DSLR के अंदर सेपरेट प्रोसेसर और सेपरेट जो है वो सेंसर होता था इसको ऑटो फोकस के लिए। तो डिफरेंस क्या होता था, जैसे आप DSLR के साथ अगर कोई सीन शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कार है जिसकी जो 100 miles per hour के हिसाब से मूव हो रही है, तो जब DSLR के अंदर होता है कि जब आप शटर बटन प्रेस करते हैं तो वो आपका जो मिरर है वो ऊपर हो जाता है और सेंसर जो है वो लाइट के लिए एक्सपोज होता है। तो उस दौरान आप जो है व्यू फाइंडर के अंदर भी, DSLR के अंदर व्यू फाइंडर के अंदर भी आप इमेज नहीं देख सकते, लाइट नहीं देख सकते कि क्या है। तो होता क्या है कि वो जो टाइम है जिसमें ये मिरर ऊपर होता है और सेंसर एक्सपोज होता है लाइट के लिए और वो दोबारा से बंद होता है, तो वो जो कार है इतनी स्पीड में आ रही है शायद वो कहीं से कहीं जा चुकी होती है। लेकिन हाई एंड DSLR के अंदर ये होता था कि जो सेंसर्स होते थे ऑटो फोकस के लिए वो ऑलरेडी सेंस करते थे कि किस स्पीड से कार आ रही है या किस स्पीड से बैडमिंटन की शटल आ रही है या क्रिकेट की बॉल आ रही है किस स्पीड से, तो उस हिसाब से उसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता था कि जब तक हमारा मिरर ओपन होगा ये बॉल या ये कार कहाँ तक पहुंच चुकी होगी, वो उस फासले से ऑटो फोकस जो है उसको कैलकुलेट करके तो इमेज दे देता था। जबकि मिररलेस के अंदर ये टेक्नोलॉजी इस वजह से इम्प्रूव हो चुकी है और मिररलेस के अंदर डायरेक्टली जो सेंसर से है प्रोसेसर वो कैलकुलेट करता है कि ऑटो फोकस क्या होगा, और क्योंकि इसके अंदर मिरर्स नहीं होते स्टिल यू कैन सी व्हाट यू आर गोइंग टू कैप्चर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। तो ये सबसे पहला जो है मेन डिफरेंस है ऑटो फोकस का। ऑटो फोकस मिररलेस का जो है वो फार बेटर है DSLR से। So this is the first reason if you are going to buy a new system, a new camera system, you should prefer the mirrorless system because it's a new technology and it has a much more matured and improved autofocus system. और हाँ, एक और बात कि जो DSLR के अंदर होता था जो सेंसर अलहदा से सेंसर होता था और प्रोसेसर होता था ऑटो फोकस कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मली वो जो फ्रेम का सेंटर है उधर से कैलकुलेट करता था, पूरे फ्रेम के अंदर ऑटो फोकस कैलकुलेट नहीं होता था, वो फ्रेम का जो मिडल पोर्शन है वहां से ऑटो फोकस कैलकुलेट करता था। सो यू हैड टू पुट योर सब्जेक्ट और वट एवर यू आर शूटिंग लाइक इन द मिडल और क्लोज टू द सेंट्रल एरिया। लेकिन मिररलेस के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंप्रूव्ड है। मिररलेस के अंदर ऑटो फोकस की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आई डिटेक्शन है, फेस डिटेक्शन है, हेड डिटेक्शन है और ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन है, बर्ड के डिटेक्शन है, बहुत ऑटो फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। सो ऑटो फोकस इज फार बेटर इन मिररलेस देन DSLR। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा डिफरेंसेस बिटवीन DSLR एंड मिररलेस कैमरा, वो है वेट एंड साइज। मिररलेस कैमरा के अंदर ऑटो फोकस के लिए सेपरेट सेंसर और सेपरेट प्रोसेसर नहीं होते हैं, और व्यू फाइंडर के लिए अलग से पूरा मिरर्स का जो बॉक्स होता है वो नहीं होता है। सो मिररलेस कैमरा जो है दे आर मच मोर स्मॉलर इन साइज देन द DSLRs। ओके, this is the plus point, they are less heavy and they are so compact, but on the other hand agar wo chote size mein hai camera to unki battery bhi no doubt us hisab se choti hogi aur jo shooting time hai wo aapko us hisab se kam milega as compared to DSLRs। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं मिररलेस कैमरा और DSLR कैमरा इन दोनों के लेंसेज की। तो स्पेशली कैनन, बिकॉज आई एम अ कैनन यूजर, तो कैनन के अंदर जो है वो DSLR के में जो लेंस का माउंट आता था वो EF लेंसेज हुआ करते थे, EF लेंसेज। तो अभी जो मिररलेस सिस्टम है उसके अंदर उन्होंने जो लेंस का माउंट है उसको EF से RF के अंदर चेंज कर दिया है। EF lenses, we all know, maybe there are more than 100 types of EF lenses, fish eye se lekar, wide angle, telephoto, zoom, super telephoto, jitne bhi lenses ke, mukammal range thi EF lenses ke andar DSLR cameras ke liye. RF lenses jo hain, kyunki mirrorless technology relatively new hai, isliye
उतनी रेंज अवेलेबल नहीं है अभी मार्केट के अंदर आरएफ लेंसेज की जितनी के ईएफ लेंसेज की थी, लेकिन कैनन ने इस प्रॉब्लम को हल कर दिया है। तो अगर आप कैनन के डीएसएलआर के यूजर हैं और आपने जो सिस्टम है, जो कैमरा है, वो चेंज कर लिया, अपग्रेड कर लिया फ्रॉम डीएसएलआर टू मिररलेस, तो उसमें क्या है कि आप एक एडाप्टर खरीद सकते हैं। आई थिंक $100 के करीब वो एडाप्टर आता है। सो यू कैन बाय एन एडाप्टर एंड यू कैन यूज योर ओल्ड ईएफ लेंसेज ऑन कैनन न्यू मिररलेस सिस्टम्स। So if you are not going to invest on RF system, RF lenses, so you can still use your EF lenses on mirrorless system by using that adapter. उस adapter की एक खास बात ये भी है कि अगर आप high end adapter लेते हैं तो autofocus और speed और quality ये lose किए बगैर आप जो है अपने पुराने lenses को use कर सकते हैं without losing any quality, any speed. So that's a good thing about the adapters. It enables us to use our EF lenses on the new mirrorless systems. So हम लोग अपने पुराने EF lenses mirrorless bodies के ऊपर use कर सकते हैं, लेकिन vice versa नहीं कर सकते। मतलब हम लोग RF lenses जो हैं वो DSLRs के ऊपर नहीं use कर सकते। There is no mount from RF to EF conversion. तो ये जो है ये बात आपसे मैं रखिएगा कि नया लेंस पुराने कैमरे के ऊपर यूज नहीं कर सकते, पुराना लेंस नए कैमरे के ऊपर अडॉप्टर के जरिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि लेंसेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अभी कैनन ने शायद ये बात टॉपिक से हट कर हो, कैनन ने अभी जो है वो नया एक लेंस निकाला है, उसके अंदर आई थिंक 5.2 है। तो एक लेंस बॉडी के अंदर दो ग्लासेस हैं, जैसे हमारा एक हेड के ऊपर दो आईज लगी हैं। सो वो 3D स्टिल्स और 3D मूवीज बनाने के लिए दैट विल बी अ गेम चेंजर। जब तक मैं उसे लूंगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट वन, बट डू चेक दैट आउट। वो एक रेवोल्यूशनरी लेंस है। एक लेंस बॉडी के अंदर दो ग्लासेस हैं, लाइक जस्ट लाइक आवर आईज। तो आप इसको गूगल कर सकते हैं, दैट्स अ गेम चेंजर। नेक्स्ट जो चीज है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है वीडियो शूटिंग। सो डीएसएलआर के थ्रू, डीएसएलआर यूज करते हो अगर आप कोई वीडियो शूट करते हैं, तो वीडियो को देखने के लिए आपको उसकी बैक पे जो एलईडी है, एलसीडी है, वो आपको यूज करनी पड़ती है, क्योंकि व्यू फाइंडर जो है उसका वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मिरर है वो ब्लॉक कर देगा आपका व्यू, और डायरेक्टली आप व्यू फाइंडर से नहीं देख सकते कि आप क्या शूट कर रहे हैं। सो यू हैव टू यूज द एलसीडी एट द बैक ऑफ द कैमरा। या आप अगर एडवांस शूटर हैं तो यू कैन बाय एन एक्सटर्नल मॉनिटर, और यू कैन कनेक्ट टू योर लैपटॉप और योर टीवी एंड यू कैन मॉनिटर व्हाट यू आर शूटिंग। मोस्टली जो है वो लोग वो निंजा एटोमस 5 जो है वो यूज करते हैं एज एन एक्सटर्नल मॉनिटर एंड रिकॉर्डर। तो डीएसएलआर के अंदर आप डायरेक्टली व्यू फाइंडर के थ्रू नहीं देख सकते कि आप क्या वीडियो शूट कर रहे हैं। सो यू हैव टू रिलाई ऑन द एलईडी एलसीडी एट द बैक और यू हैव टू यूज द एक्सटर्नल मॉनिटर। लेकिन मिररलेस जो है उसका ऑलरेडी जो व्यू फाइंडर है वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, एक छोटी सी टीवी स्क्रीन है। सो इफ यू आर शूटिंग अ वीडियो विद मिररलेस, स्टिल यू कैन यूज योर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और द बैक एलसीडी टू सी व्हाट यू आर शूटिंग एग्जैक्टली। सो दिस इज ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर मेकिंग योर बाइंग डिसीजन। नेक्स्ट थिंग बैटरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि डीएसएलआर के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिरर्स का नहीं होता है, सेपरेट सेंसर जो है और प्रोसेसर जो है ऑटो फोकस के लिए वो नहीं होता है। सो मिररलेस की बॉडीज का साइज जो है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू डीएसएलआर। साइज स्मॉल होता है, बैटरी उसकी जो है वो स्मॉल होती है। सो बैटरी जो है वो आपको एज कम्पेयर टू डीएसएलआर कम पिक्चर्स देगी खींचने के लिए, या कम टाइम देगी वीडियो शूटिंग के लिए। सो व्हेन यू आर गोइंग टू बाय द मिररलेस और व्हेन यू आर गोइंग टू शूट अ मूवी विद द मिररलेस कैमरा, सो मेक श्योर यू हैव एक्स्ट्रा 2 or 3 बैटरीज, सो यू कैन शूट लाइक 1, 2, 3, 4 आवर्स, व्हाटएवर यू वांट। Now the last thing which I want to speak about DSLRs or the mirrorless is the price. This is the most important one.
DSLR जो है वो एंट्री लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक और प्रो लेवल तक बॉडीज अवेलेबल हैं, और बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज है DSLRs की अगर आप खरीदना चाहते हैं। मिररलेस जो है वो क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो रिलेटिवली प्राइसेस जो है इसकी हायर एंड पे होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एक तो प्राइसेस इनकी हायर है और देर इज नॉट टू मच ऑप्शंस अवेलेबल एज द DSLRs में जो सिस्टम था तो उसके लिए बहुत सारे कैमरा ब्रांड्स और बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। मिररलेस के अंदर अभी उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं है कैमराज की, बॉडीज की, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अभी मार्केट में आ चुकी है और पीपल आर मूविंग टू द मिररलेस सिस्टम, सो देर इज अ डिमांड एंड द प्राइसेस आर गोइंग डाउन। यू कैन से द प्राइसेस फॉर द मिररलेस और DSLRs आर ऑलमोस्ट कमिंग टू द सेम लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इफ यू आर कंसिडरिंग टू बाय अ न्यू सिस्टम, आई थिंक द प्राइस रेंज फॉर द मिररलेस एंड द DSLRs इज गोइंग टू बी द सेम इन वेरी नियर फ्यूचर, सो मेक योर डिसीजन वेरी वाइजली। बेसिकली यू कांट गो रॉन्ग विद अ मिररलेस और अ DSLR बॉडी। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू यूज इज योर ब्रेन, योर आईज, योर हार्ट टू कैप्चर एन इमेज, सो जस्ट मेक श्योर योर कैमरा कीप्स अप एंड हेल्प्स यू टू कैप्चर व्हाट यू आर इमेजिनिंग। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट द मिररलेस एंड द DSLRs, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इफ़ यू फील यू बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, कीप लाइकिंग दिस वीडियो एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैमरा गियर्स लाइक मिररलेस और द DSLRs, जस्ट पुट मी अ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई, और आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट वन।